अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है कंप्यूटर पार्ट 1 का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में आज हमारा टॉपिक है द कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो डाटा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं डाटा कम्युनिकेशन क्या है। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। जिस तरह हम नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई आइडियाज शेयर कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। और डाटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप आपस में डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, कोई डाटा आप सेंड कर रहे हैं, कोई डाटा आप रिसीव कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई वीडियो सेंड कर रहे हो, कोई ऑडियो सेंड कर रहे हो, जिस तरह से लेक्चर्स हम आपको सेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। इसके मुकाबले में आप रिस्पांस सेट करते हैं, रिस्पांस सेंड करते हैं कि सर ये लेक्चर की समझ आई या नहीं आई, वट एवर, ये आपका आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस जो सारा प्रोसेस है हमारा डाटा कम्युनिकेशन का, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो नंबर वन कंपोनेंट इज मैसेज। मैसेज कि अगर आपने कोई बात करनी है तो सबसे पहले तो आपके पास कोई बात होनी चाहिए, ऐसे ही कि नहीं, क्या आप बात करना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई बात नहीं है तो आप कैसे बात करेंगे। सेम लाइक डाटा, आप कोई डाटा सेंड करना चाहते हैं, आपके पास डाटा ही नहीं है तो कैसे सेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए या मैसेज होना चाहिए, ठीक है। ये मैसेज आपके पास वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह हम आपको लेक्चर सेंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर लेक्चर ही नहीं है हमारे पास, इट्स मीन मैसेज इज मिसिंग, तो क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी? नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास मैसेज होगा। नेक्स्ट वन इज सेंडर। कोई सेंड करने वाला भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, ऐसी डिवाइस जो डाटा को सेंड करती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंडर, ठीक है। उसके बाद है रिसीवर। अच्छा, सेंडर को जो हम दूसरा नाम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सोर्स और ट्रांसमीटर। ये आपने याद रख लेना है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछते हैं, ठीक है। सेंडर का दूसरा नाम क्या है, सोर्स या ट्रांसमीटर। और उसके मुकाबले में है रिसीवर। रिसीवर को जो बेटा हम कहते हैं सिंक, ऐसी डिवाइस जो डाटा को रिसीव करने के काबिल हो। मिसाल के तौर पे हम आपको व्हाट्सएप पर कर देते हैं, लेकिन आपका मोबाइल ऐसा है जिसमें व्हाट्सएप नहीं ओपन होता, ठीक है, वो कोई वो बटनों वाला पुराना मोबाइल है, उसमें व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी डिवाइस काबिल नहीं कि वो रिसीव कर सके, इट्स मीन रिसीवर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सेंडर ऐसी डिवाइस जो सेंड कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स या ट्रांसमीटर। और रिसीवर ऐसी डिवाइस जो डाटा को रिसीव कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक। उसके बाद मीडियम। मीडियम कोई वे भी होना चाहिए, कोई रास्ता भी होना चाहिए, कोई चीज़ भी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी जो साउंड वेव्स हैं वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती हुई आप तक जा रही हैं, तो मीडियम क्या होगा, एयर। लेट्स से मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तो फ़ोन के थ्रू सिग्नल्स जो वायरलेस सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल करते हुए टावर पर जाते हैं, टावर से ट्रैवल करते हुए आपके फ़ोन तक आते हैं, तो वहाँ पे साउंड मीडियम क्या है, आपके पास टेलीफोन भी कह सकते हैं और आपके पास वो जो वेव्स जा रही हैं वो भी मीडियम है, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम डाटा सेंड या रिसीव करते हैं दैट इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है, बात समझ आ गई। जिसके थ्रू हम डाटा सेंड या रिसीव करते हैं वो क्या है, मीडियम। वो फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकती है, वायर भी हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, आपकी मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी भी हो सकती है और वायर भी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, वायर भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। नेक्स्ट है बेटा इनकोडर एंड डिकोडर।
इनकोडर एंड डिकोडर। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, उर्दू ज़ुबान, ठीक है। अब आपके पास उस लैंग्वेज का डिकोडर मौजूद है, ठीक है। मेरे जहन में कुछ थाट्स आती हैं, मैं उनको एक ख़ास लैंग्वेज में इनकोड करता हूँ उर्दू ज़ुबान में और मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आप मेरी बात को सुनते हो, फिर उसको डीकोड करते हो और अपने माइंड में ले जाते हो और आप मेरी बात को समझ जाते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, बेटा आप ऐसा करें, इस दरवाजे को बंद कर दें। मेरे जहन में एक थॉट थी कि इसको बंद होना चाहिए, फिर इस थॉट को मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है, या मैं इंग्लिश में करता हूँ क्लोज द डोर, ठीक है। आप उसको फिर उस सुनते हैं, फिर उसको डीकोड करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आप समझते हैं कि दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, बंद कर देते हैं। बिलफर्ज यही बात मैं अगर आपको पश्तो में कहता हूँ तो क्या ख्याल आप दरवाज़ा बंद कर सकेंगे, या मैं आपको चाइनीज में कहता हूँ या मैं स्पेनिश में कहता हूँ, ठीक है, आप उसको बंद नहीं कर सकते। क्यों? आप मेरी बात को सुन तो रहे हैं लेकिन उसको डीकोड नहीं कर सकते, आपके पास वो डीकोडर है ही नहीं, वो लैंग्वेज आपके जहन में है ही नहीं। अगर आप उर्दू समझने के काबिल हैं या इंग्लिश समझने के काबिल हैं, इसका मतलब आपके जहन में इंग्लिश या उर्दू का ट्रांसलेटर मौजूद है जो कि आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न किया है, ठीक है, ज़माने से या माशरे से या अपने इर्द गिर्द के माहौल से। लेकिन अगर आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते तो इट्स मीन आपके पास वो डिकोडर मौजूद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सिग्नल्स। सिग्नल्स बेटा हमारे पास दो टाइप्स के आएंगे, डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल। ठीक है, सिग्नल्स क्या है कि वो वेव्स जिनके थ्रू डाटा ट्रेवल कर रहा है, अभी हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब डिजिटल सिग्नल्स में डाटा डिजिटल वेव में ट्रेवल कर रहा है, वो एनालॉग सिग्नल में डाटा एनालॉग वेव में ट्रेवल कर रहा है। होते क्या है ये असल में एनालॉग सिग्नल को पहले पढ़ते हैं। आपकी जो नेचुरल वेव्स है ना वो कुछ इस फॉर्म में आती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेव भी आप ले लें, ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रिक वेव है जो आपकी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है वो कुछ इस फॉर्म में है, एनालॉग फॉर्म में। इसमें वोल्टेज कंटिन्यूसली अप एंड डाउन होते रहते हैं, आपने पढ़ा होगा। ऑल्टरनेटिव एसी करंट में आपके जो वोल्टेज हैं कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। इसी सिग्नल को देख के हमने एक नया सिग्नल बनाया। आप पहले सिग्नल की कांट शांट करके एक नया सिग्नल बनाते हैं हम। मिसाल के तौर पर जैसे ही वोल्टेज अप होने शुरू हुए तो हमने इसको फुल कर दिया, अब ये फुल चल रहा है। यहाँ पर जैसे डाउन होने शुरू हुए हमने फिर डाउन पर ले आया जीरो, फिर अप होने शुरू हुए फिर फुल अप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल बन गया। एनालॉग सिग्नल में क्या था, कंटिन्यूसली अप एंड डाउन थे, इसमें इंस्टेंट अप एंड डाउन है। एक सदम फुल हो जाती है वोल्टेज, एक सदम बिल्कुल जीरो पे आ जाती है, फिर फुल हो जाती है, फिर जीरो पे आ जाती है, ठीक है। और इसी चीज को हम कहते हैं जीरो एंड वन, ठीक है। और आपने सुना होगा कि कंप्यूटर सारे का सारा स्टोरेज जो है, सारा का सारा डाटा है, ट्रेवलिंग है, हर चीज कंप्यूटेशन वो सारी के सारी किसमें करता है, जीरो वन में करता है। दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, बाइनरी लैंग्वेज जिसे हमको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाटा जीरो है, यहाँ पे वन है, इसी के डिफरेंट कम्बिनेशन जोड़ के वो सारा डाटा बनाता है और इसी के डिफरेंट कम्बिनेशन जोड़ के वो सारे डाटा को ट्रेवल भी करवाता है और उसको कैलकुलेट भी करता है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल्स में हमारे पास सिग्नल ऑन एंड ऑफ है और एनालॉग में हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल है जो अप्स एंड डाउन्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजीद टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।